सो हेलो गाइस, दिस इज निर्विज एंड वेलकम टू दिस चैनल। आज की वीडियो महाराष्ट्र के स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है जिन्होंने अभी अभी अपने क्लास 10th का एग्जाम्स क्लियर किया है और वो 11th में एडमिशन लेने के लिए जा रहे हैं। तो आपको एक मैं बेसिक सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली एक एग्जाम निकाला है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि क्लास 10th का जो एग्जाम है वो आपके इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे आया था। तो इन्होंने अब जो 11th में एडमिशन लेने जा रहे हैं उनके लिए एक अलग फॉर्म निकाला है जिसको फिलअप करने के बाद आप लोग 11th में एडमिशन ले सकते हैं, जिसको बोलते हैं FYJC फर्स्ट ईयर जूनियर कॉलेज। क्योंकि ये एग्जाम इसलिए निकाला गया है कि सब लोगों को एक यूनिफॉर्म चांस मिले। हो सकता है किसी के 10th में अच्छे मार्क्स नहीं आए हो, बट वो अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना वो भी डिजर्व करता है। तो उन्हीं लोगों के लिए, सारे लोगों को एक यूनिफॉर्म चांस देने के लिए ये एक नया फॉर्म निकाला गया है। सो गाइस, इसी के बारे में बात करेंगे। उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर ऐसे ही एग्जाम से रिलेटेड वीडियोज हम निकालते रहेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सो जैसा कि आप जानते हैं कि जो ऊपर दिख रहा है आपको महाराष्ट्र FYJC CET 2021, FYJC को बोलते फर्स्ट ईयर जूनियर कॉलेज। तो फर्स्ट ईयर जूनियर कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए CET का एग्जाम इन्होंने अनाउंस किया है, जिसको एग्जाम देने के बाद आपको अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन मिलेगा। सो इसकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आप देख सकते हैं कि 20 जुलाई से सुबह 11 बजे इसका एप्लीकेशन खुल जाएगा। आप सुबह 11 बजे इसका एप्लीकेशन का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। दूसरी चीज कि अवेलेबल स्टेट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि ये सिर्फ महाराष्ट्र स्टेट के लिए है, तो महाराष्ट्र स्टेट में आप कहां कहां पे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं? नागपुर, मुंबई, पुणे, औरंगाबाद और नासिक, इन सारी सिटीज के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें एक सिटी और है, अमरावती। तो ये टोटल हो गई 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल 6 सिटीज में आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी अब हम बात करते हैं इसकी फीस। तो इसकी फीस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है कि ऐसे स्टूडेंट जो जिन्होंने स्टेट बोर्ड से एग्जाम दिए हुए, यानी कि पहला स्टेट बोर्ड स्टूडेंट्स, दूसरा नॉन स्टेट बोर्ड स्टूडेंट। तो जो स्टेट बोर्ड स्टूडेंट्स है उनके लिए इस एग्जाम में कोई फीस नहीं लेगी, उनके लिए बिल्कुल फ्री है। और जो ऐसे स्टूडेंट्स है जिन्होंने नॉन स्टेट बोर्ड से एग्जाम दिए हैं उनके लिए जो फीस लेगी वो है 170 रुपीज। तो इसमें इस तरह से इसको डिवाइड किया गया है, स्टेट बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए फ्री है और नॉन स्टेट बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए 170 रुपीज की फी लगेगी। अब इसका एग्जाम डेट कब है? इसकी जो एग्जाम डेट है वो है 21 अगस्त को। इसका पेपर पैटर्न किस टाइप का होगा? इसमें एक OMR शीट टाइप का क्वेश्चन पेपर आएगा जिसके आपको आंसर्स देने होंगे। टोटल जो क्वेश्चन पेपर होगा वो 100 मार्क्स का होगा, वो 2 घंटे का होगा और वो ऑफलाइन होगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है आप लोगों के लिए कि इस पैंडेमिक के टाइम पे काफी सारे एग्जाम्स ऑनलाइन हो रहे हैं, लेकिन ये जो एग्जाम है ये ऑनलाइन मोड पे होगा। आपको आपके पास जो सेंटर आएगा उसी सेंटर में जाके इस एग्जाम को आपको देना पड़ेगा। दूसरी चीज, किन किन सब्जेक्ट के बेसिस पे होगा? तो इसमें जो सब्जेक्ट है वो है इंग्लिश, मैथ्स, साइंस और सोशल साइंस। तो ये चारों सब्जेक्ट के बेसिस पे आपका पेपर आएगा और जो पेपर है वो क्लियरली आपके जो क्लास 10th के जो सिलेबस है और आपके SSC का जो सिलेबस है उसी के बेस के ऊपर ये क्वेश्चन पेपर आएगा। और मैं बता दूं कि इन चारों सब्जेक्ट्स का जो वेटेज है वो इक्वल 25% का है। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे तो मैथ्स इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है तो मैथ्स का वेटेज 50% का दे दें बाकी या कम कर दें। चारों सब्जेक्ट का इक्वल वेटेज है 25% का। आगे बात करते हैं वेबसाइट। तो आप किस वेबसाइट पे जाके इसको अप्लाई कर सकते हैं? तो ये इसकी वेबसाइट है mahahssboard.in। तो ये वेबसाइट आप नोट कर सकते हैं mahahssboard.in। इस वेबसाइट पे जाके आपको लिंक मिलेगा, आप वहां से जाके इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं इसका आपका एक प्रोसेस भी बता देता हूँ कि आप कैसे अप्लाई करेंगे। आप इस वेबसाइट पे जाएंगे, वहां जाने के बाद आपके पास एक रोल नंबर डालने का सेक्शन आएगा। तो आप रोल नंबर डाल के वहां पर दो चीज आएगी कि आप CET का एग्जाम चूज करना चाहते हैं नहीं चूज करना चाहते। तो उस बेसिस पे आपका इसमें जो फॉर्म है वो फिलअप हो जाएगा। दूसरी एक और इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ इसी से लगी हुई कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बच्चे को ये एग्जाम देना कंपलसरी है, ऐसा बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है। अगर आपकी मर्जी है तो आप CET का एग्जाम दे सकते हैं, अगर आपकी मर्जी है तो आप नहीं भी दे सकते हैं। लेकिन अब जो देगा फिर उसमें फायदा क्या है? तो उसमें फायदा ये है कि CET के अंदर बहुत सारे कॉलेजेस आते हैं, जैसे कि FYJC के अंदर फर्स्ट ईयर जूनियर कॉलेजेस के अंदर बहुत सारे इंस्टीट्यूशन आते हैं, उनकी कोई रैंक होती है उनके मेरिट के बेसिस पे कि जैसे ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। तो अगर आप लोगों ने जिन्होंने एग्जाम दिया है CET का उसको उसके मेरिट के ऊपर कॉलेजेस मिलेंगे और जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया है उनका नंबर सबसे लास्ट में आएगा। तो सबसे पहले जो सारी सीट्स है जिन्होंने CET का एग्जाम दिया उन बच्चों को मिलेगी, उसके बाद में जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया है उन बच्चों को सीट्स मिलेगी। इसका मतलब कि जिन्होंने भी 10th पास किया है सबको एडमिशन मिलेगा, लेकिन जो फर्स्ट प्रायोरिटी है CET वालों को दी जाएगी, उसके बाद जो बचा हुआ है वो जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया उनको दी जाएगी। तो आगे बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस का।
तो जैसे कि मैंने आपको बताया सेम वही चीज है कि इसको दो फेज में किया गया है, पहला है सीईटी के मेरिट, दूसरा है नॉन सीईटी बेस्ड ऑन क्लास 10 रिजल्ट। तो जैसे मैंने आपको बताया वही चीज है कि सबसे पहले सीईटी के बेस पे आपको एडमिशन मिलेगा, और जिन्होंने सीईटी का एग्जाम नहीं दिया है उनको उनके क्लास 10 की जो मेरिट है उसके बेसिस पे उनको एडमिशन मिलेगा। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि आप सभी को एग्जाम देना जरूरी नहीं है, एडमिशन सभी को मिलेगा, लेकिन सिर्फ जो प्रायोरिटी है वो इन एग्जाम्स के बेसिस पे डिसाइड करी जाएगी। अब आगे हम देखते हैं कि दो नोट है आप लोगों के लिए कि ये एक स्टेट लेवल एग्जाम है और स्टेट गवर्नमेंट इसको कंडक्ट करा रहा है आपके फर्स्ट ईयर जूनियर कॉलेजेस के लिए, तो ये सिर्फ महाराष्ट्र के स्टूडेंट के लिए है। बाहर का स्टूडेंट अगर कोई भी देख रहा है तो आप लोगों के लिए एग्जाम नहीं है, सिर्फ महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स के लिए है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जिन स्टूडेंट्स को किसी डिप्लोमा या आईटीआई कोर्सेज में एडमिशन लेना है वो अपने 10th बेसिस के रिजल्ट्स पे ले सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि 10th को इतना इंपॉर्टेंस इसलिए दिया जा रहा है बिकॉज आप लोगों के 10th के जो एग्जाम्स है वो कैंसिल हो गए और इंटरनल बेसिस पे आपको जो एडमिशन आपके मार्क्स मिले हैं आपका रिजल्ट आया है तो उसी बेसिस पे आप अपने डिप्लोमा या आईटीआई कोर्सेज में भी एडमिशन ले सकते हैं। सो गाइस ये थी आज की इन्फॉर्मेशन सीईटी के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक शेयर जरूर कीजिए और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं या मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे मुझे डीएम भी कर सकते हैं। जो इंस्टाग्राम आईडी होगी वो या तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या आपको स्क्रीन पे भी शो हो रही होगी। थैंक यू।